नीतीश कुमार जी को थोड़ा सा भी नैतिकता बचा है तो तुरंत इस्तीफा करना चाहिए। पुल ध्वस्त हो रहा है और नीतीश कुमार की सरकार मस्त होकर देश घूम रही है। आज भ्रष्टाचारी सरकार, नीतीश कुमार की सरकार पूरी तरह भ्रष्टाचार में लिप्त है। खगड़िया भागलपुर पुल के ढहने के बाद बिहार में सियासत जो है वह तेज हो चुकी है। बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी जो हैं वह नीतीश कुमार पर आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की सरकार जो है वह भ्रष्टाचार में विलुप्त है, और साथ ही साथ वह कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार का भेंट यह पुल चढ़ा है। सम्राट चौधरी नीतीश कुमार पर खूब बरस रहे हैं और कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बिहार में जीरो टॉलरेंस की सरकार जो वादे करती है, जीरो टॉलरेंस की बात करती है, साथ ही साथ तमाम जो दावे करती है उसकी जमीनी हकीकत कुछ और है और तमाम जो दावे हैं वह जमीन पर फेल्योर हैं। क्या कुछ कह रहे हैं सम्राट चौधरी, पहले आप इस वीडियो में देखिए। नीतीश कुमार की सरकार पुल ध्वस्त हो रहा है और नीतीश कुमार की सरकार मस्त होकर देश घूम रही है। आज भ्रष्टाचारी सरकार, नीतीश कुमार की सरकार पूरी तरह भ्रष्टाचार में लिप्त है और नीतीश कुमार जी को थोड़ा सा भी नैतिकता बचा है तो तुरंत इस्तीफा करना चाहिए। आज नीतीश कुमार जी के चलते पूरे बिहार के सड़कों का बुरा स्थिति है और सारे पुल ध्वस्त हो रहे हैं, इसमें जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार है। तो दोस्तों आपने देखा किस प्रकार बिहार भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, साथ ही साथ वह कहते हुए नजर आते हैं कि बिहार के तरक्की में वह लगातार लगे हुए हैं, बिहार को आगे बढ़ा रहे हैं, पर इसकी जमीनी हकीकत भागलपुर और खगड़िया को जोड़ने वाला यह पुल है जो लगभग 1750 करोड़ रुपए से बन रहा था और लगातार जो है दूसरी बार जो है यह पुल ढह गया है। और साफ तौर पे सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि महागठबंधन की सरकार नहीं है, महाठगबंधन की सरकार है और यह जो है यह जनता को बेवकूफ बनाते हैं, जनता को ठगने का काम करते हैं। साथ ही साथ जो विपक्ष के तमाम नेता हैं, या फिर विजय सिन्हा की बात करें या फिर नंदकिशोर यादव की बात करें, नितिन नवीन की बात करें, ये सभी लोग जो हैं वह अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं और कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ताज़ा नमूना है कि बिहार में भ्रष्टाचार किस प्रकार व्याप्त है और यह पुल जो है वह दर्शाता है कि बिहार में जो जीरो टॉलरेंस की बात की जाती है, जो सरकार तमाम दावे करती है, उसकी जमीनी जो है हकीकत क्या है। तो जिस प्रकार भागलपुर और खगड़िया को जोड़ने वाला यह पुल ढहा है और लगातार दूसरी बार जो है इस पुल का ढहना, और खासकर आपको बता दें कि यह नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल था, उत्तर बिहार को दक्षिण बिहार से जोड़ने के लिए इस पुल का निर्माण किया जा रहा था, पर दूसरी बार लगातार जो है इस पुल का ढह जाना साफ तौर पे इस ओर इशारा करता है कि कहीं ना कहीं इस चीज़ में कोई कमी रह गई थी। और खासकर अभी तक तो इस पुल के ढहने के बाद कोई आहत की सूचना नहीं मिली है, किसी जान माल की खतरा तो अभी तक नहीं हुआ है, पर सियासत जो है बिहार में काफ़ी तेज हो गई है। लगातार भाजपा महागठबंधन की सरकार से जवाब मांग रही है और लगातार कहते हुए नजर आ रही है कि बिहार में जो सरकार तमाम दावे करती है उसकी हकीकत कुछ और ही बयां करती है। तो इस विषय में आपके क्या विचार हैं आप भी हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। देखते रहें तो बिहार टॉप। धन्यवाद।